नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भारत चीन तनाव के बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने आज पूर्वी लद्दाख सीमा पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का दौरा किया। सेना प्रमुख ने इस दौरान सरहद पर भारत और चीन के बीच व्याप्त तनाव के मद्देनजर किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए सेना की तैयारियों का पूरा जायजा लिया। इस दौरान जनरल नरवणे ने पूर्वी लद्दाख के फॉरवर्ड एरिया में गलवान घाटी में चीन के सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में अदम्य साहस दिखाने वाले भारतीय सैनिकों को सम्मानित किया। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने सेना के अदम्य साहस की प्रशंसा की और ऐसे ही मनोबल हमेशा उच्च स्तर पर बनाए रखने की नसीहत दी। गौरतलब है कि सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे आज दो दिवसीय दौरे पर लद्दाख पहुंचे। सेना प्रमुख यहां गलवान घाटी में स्थिति का जायजा लेने पहुंचे हैं, जहां पिछले सप्ताह भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने मंगलवार को लेह के सैन्य अस्पतालों में सैनिकों से मुलाकात की और बातचीत की। गौरतलब है कि थल सेना प्रमुख जनरल नरवणे से पहले पिछले सप्ताह वायुसेना के एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने भी लद्दाख और श्रीनगर वायु सैनिक अड्डों का दौरा किया था। गलवान घाटी में हुए हिंसक झड़प के तुरंत बाद भारतीय वायुसेना को भी अलर्ट कर दिया गया था। इसी बीच 17 से 18 जून को वायुसेना प्रमुख लेह और श्रीनगर बेस का दौरा करने पहुंचे थे। पिछले कुछ दिनों से वायुसेना के फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर लेह में उड़ान भरते नजर आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार ने सेना को हर तरह की कार्रवाई की छूट दे रखी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।